भैंसिया चरावन लाठी घोड़ावन तेल पिलावन के बोलता था लालू खुश थे। हाँ ये बात से खुश थे। आप खुश नहीं रहो। अच्छा तकर मतलब की भेले? अब मतलब भेले कि भैंसिया तो सिंह रहता है बड़ा। हाँ है? अगर इधर उधर करेगा तो लाठी तो बहुत मजबूत है, इधर उधर करेगा तो मारेगा तो बस एगो सिंह टूट जाएगा। अच्छा तो सिंह तोड़ने के लिए बोल रहे थे लालू यादव है? अरे बदमाशी करेगा तो नहीं तोड़ेगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो आदमी बदमाशी करेगा उसको पीटो। तो कौन बात है, अगर मतलब तो बता दीजिए। हमें उतनी गो बाबू जाने रहिए तक नहीं हुई बोल रहे इतना टा बात। हाँ वहाँ फील्ड में इतनी टा बात हम जाने रहिए। की बोल रहे फील्ड में? यह बात जो बोल लिए की भैंसिया चरावन तेल पिलावन लाठी घुरावन। अच्छा लालू यादव काम से खुश रहिए? हाँ खुश। एक बात जो बोल गए हम 15 साल राज करेंगे, 15 साल में डायरेक्ट कर के कल को रहे लालू साहब। लालू हाँ 15 साल रहेंगे, 15 साल में रह लो। अच्छा बाद जे छुट्टी हो तो अब मुख्यमंत्री केकरा बनाना है? अब जे बनाऊ तो बाबू भगवान के जन छे, हमने कना के जन तेजस्वी की नीतीश अब जे बन जा बाबू। अच्छा नेता कैसन होय छे, बढ़िया केकरा कहल जाय छे बढ़िया नेता? हे हो बाबू उतना हमरा जानकार नहीं छे। नहीं छे नहीं छथिन बुटन बाबू सब बात के सरकार बढ़िया है। अरे सरकार तो अखनी सरकार जे छे से फूल साहब जे छे ओ सबसे बढ़ल नेता अखनी वही छे। दिल खोल के बोलिए। हां हां अयोध्या मंदिर के कोई बनाबे के पावर नहीं, एकटा नेता आयल रहे मरहनी बनवा के बास करा दिल के अखन आजाद। तो लालू यादव के बारे में बोले छे कि बढ़िया छे? तो बढ़िया तो रहे तो दोस्तार काम सुन रहे। अच्छा वो लालू यादव नहीं बनाबे सकले, मगर लालू यादव ई करने रहे है हिन्ने कहा नंबर से वोट नहीं हुआ दे रहे बहुत दूर वोट को नहीं देते थे होन है नहीं दे। अच्छा वहाँ जाके यहाँ की करके समुचा गांव फोर से भर गल के पहले समय एक जा करके बोलेगा तो बस सुटेंगे चार निकाल के बोला था लालू। अच्छा तब कोई खड़ा नहीं एकदम समुचा गांव के लोग भर गए एक तरफ से एक तरफ तो उकड़ा से बढ़िया राज छे अखनी अखनी देखो जखनी लालू के समय में की हो रहे? हाँ जे काम करे रहे से दूसरे बुलियाबाड़ी में अलै ना। हाँ हेतना हेतना गड्ढा रहे रोड पर बुझलो ना, वह चौक पर खड़ा रहा कैसे की देखिए तो रोड कैसा खराब है। अरे कैसा सुंदर है के बोले रहे लालू? हाँ अरे रोड तो बहुत सुंदर है। अच्छा जेकि है यहाँ से गिट्टी उड़ल ना, हम मंटू के दुकान पर चाय पिए रही करीब 10 लग्गा हटल रही गपा, यहाँ से गिट्टी जो उड़ल से चल गए वहाँ बचले कक रहे लाल कपड़ कन भूल इतना वो गड्ढा को बोलते थे कि बढ़िया जो हो बढ़िया है। अखनी देखिए वह रोड कहीं चमन छे। नमस्कार मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्र न्यूज। अभी फिलहाल हम कोढ़ा में मौजूद हैं और एक कहावत है हम आपको बता दें, सॉरी फलका प्रखंड में मौजूद है। एक कहावत है कि दोस्ती करो तो बुजुर्ग से करो। क्यों करो साहब? क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा जिंदगी जिया है, उसको आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। इसीलिए आज हम बैठ गए एक बुजुर्ग के पास, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई राजनीति में बहुत तरह के लोग आए गए, जीत हार हुआ, नेता आए गए, हमेशा सरकार बनता है टूटता है बिखरता है सारा चीज होता रहता है, लेकिन जो याददाश्त है जो तजुर्बा है वो कभी बदलता नहीं है। इन बुजुर्ग के पास जब हम बैठे तो इन्होंने लालू प्रसाद यादव के जमाने का भी बात कहा और नीतीश कुमार के जमाने का भी बात कहा, लेकिन इनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन नेता बढ़िया है। हमें तो लगा कि जब जैसा तब तैसा, अब बाबा का कहना है कि उस टाइम वही ठीक थे, खराब रोड को भी बढ़िया कहते थे और अभी वही रोड चमन की तरह है। और भी कुछ यादगार इनके जिंदगी में हुआ होगा वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक दो बाकी और बताइए लालू यादव समय का।
जान लिए कहिए दिलिए। अच्छा ये बताइए कि आज तक उम्र आपका कितना हुआ? उम्र करीब करीब 75 के लगभग। 75 साल, 75 साल तो आप जिंदगी आपका गुजर गया। कितना नेता आया गया, सरकार आया गया, लेकिन आपके जिंदगी में कभी कोई बदलाव हुआ? जिंदगी में अपने कभी बदलाव होले? आज तक कभी सरकार से कोई ऐसा चीज मिले जो जिंदगी खुश कर दिल के होते? खुश तो नहीं कर सकते कुछ नहीं, तनी मनी हो कि खुश हो कुछ। अच्छा आज से 20 साल पहले भी यही गंजी पहनते थे? हाँ। आज भी यही गंजी पहनते हैं? हाँ। यही धोती पहनते थे? हाँ। लेकिन आपके घर अगल बगल में बदलाव हुआ कि वही है? सब सब युग दोसर भाई, युग दोसर भाई। इनका कहना है कि युग दूसरा हो गया है, बेशक हुआ होगा ये हम नहीं काटते हैं, लेकिन एक चीज है, बदलाव तो जरूर हुआ है। इन्हीं का कहना है कि उस जमाने में कहीं वोटिंग रोक दिया जाता था और कोई पूछने वाला नहीं है, और अभी तो नेट का जमाना है भैया, बैठे बैठे मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा, सारा खबर आपको 2 सेकंड में मिल जाएगा। बदलाव हुआ है, लेकिन कहाँ तक बदलाव हुआ है इसी को खोज रहे हैं, और हम बुजुर्गों से आज बात करेंगे। इसलिए बुजुर्ग से बात करेंगे ताकि आप भी समझ सके कि उनके जिंदगी में कहाँ तक बदलाव हुआ है। न्यू जनरेशन के लोग अभी कहाँ समझेंगे कि लालू यादव के रीजन में, अभी के लोग कहते हैं कि लालू यादव के रीजन में, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू यादव के रीजन में कितने परसेंट लोग जान रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग से अगर पूछेंगे तो ये बताएंगे डिफरेंस, एक्चुअल जिसको डिफरेंस कहा जाता है, 15 साल माइनस 15 साल, यानी लालू जी का 15 साल माइनस नीतीश जी का 15 साल, ये डिफरेंस ऐसे ही बुजुर्ग बता सकते हैं। इसलिए चलिए और भी कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति का स्तर ऊपर बढ़ा कि घटा। मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा, तेजस्वी की नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री अब अभी क्या कहेंगे, जब अभी कैसे बताएंगे, पसंद नहीं है कोई है? मार खिलाइएगा क्या? क्या हमको मार खिलाइएगा? कैसे माना है, अभी बोल देगा आपको किसको जिताएंगे, तहियो पसंद होगा ना, जिताने का नहीं। पसंद कौन है, तेजस्वी है कि नीतीश कुमार है? अब कैसे हम बोले? अच्छा ये बताइए कि आपके पास तो बहुत, आपका उम्र कितना है? कम से कम 100 लगभग 100 साल भाग ले अपने का। अच्छा तो अपने का जितना उम्र है, बहुत नेता के देखले हो, गांधी बाबा के देखलिए, और जवाहरलाल नेहरू के, और मैंने एक कौन थे नाम भूल गए, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर, लाल बहादुर नहीं, वह इंदिरा के पहने वह बन लड़की। अच्छा ये बताइए कौन नेता आपको बढ़िया लगा, कौन नेता लगले बढ़िया? कौन नेता बढ़िया लगले? अब यह बात तो आप गड़बड़ बोलते हैं, अभी अच्छा, गड़बड़ बोल दिए, सही कहा है बताइए, सही कहा है, सही बात बता दीजिए, हम तो गड़बड़ बोल दिए, तो सही बात क्या है? सही बात ये होगा कि उस टाइम में जो मने इच्छा होगा वो बटन दबाएंगे, जो इच्छा होगा, जो मने इच्छा होगा वो दबाएंगे। अच्छा कैसा नेता अच्छा लग, मने लगता है जो, मैंने आप लोग के नजर में 100 साल आपका उम्र हो गया, कैसा नेता अच्छा लगता है? कैसा नेता जो मना पब्लिक को भलाई करता है, उसे वही ना अच्छा हुआ। अच्छा तो अभी तक कौन नेता भलाई किया है? अब कौन नेता मना हम लोग को वृद्धा पेंशन देता है, कौन देता है, कहाँ से आता है वही जाने। तो के वृद्धा पेंशन दिया? वृद्धा पेंशन तो ये मोदी ने देता है, मोदी देता है। अच्छा अच्छा और काका दिया? और क्या क्या दिया? और क्या जगह, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, खाली वृद्धा पेंशन, खुश है उतना में? उतने में क्या, जो देता है वो भी भला है, नहीं देगा वो भी भला है, देगा तब भी भला है, नहीं देगा तब भी तभी भला है, देता है तो लिखा लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा लालू यादव के समय का कुछ बात बताइए। लालू यादव हाँ, जखनी उठे मुख्यमंत्री लालू,
भी तो ठीके थे। ठीक थे। और नीतीश जी वो भी ठीके हैं। ठीक है, लेकिन देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अभी ठीक है, लेकिन वोट देंगे। देंगे। अच्छा, उस टाइम में जो भी मैंने नजर में आ जाएगा, अभी तो प्रचार हो रहा है, जो नजर में आ जाएगा उसी के बटन दबाएंगे। बटन दबा दीजिएगा। अच्छा, आप लोग कौन अति में खड़ा है ये बताइए। नहीं, खड़ा नहीं है। हम लोग खड़ा नहीं है, मीडिया वाले। हम आपसे राय लेने आए हैं, खड़ा नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, वही तो आपका राय जान रहे थे। आप बुजुर्ग हैं, 100 साल उम्र हो गया, उतार चढ़ाव जिंदगी का देखे होंगे, तो एको को बताइए ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो। नेता लोग कोई अच्छा काम किया हो या खराब काम, कोई काम करने के वक्त आप गए हो, नहीं किया हो। काम तो अच्छे किया हम लोग, मना सड़क में कादो में घूमता रहा तो सड़क बना दिया, इतना तो भलाई हुआ। अच्छा, अच्छा लगा, नीतीश कुमार का काम अच्छा है। दारू मिलता है कि नहीं मिलता है गांव देहात में? मिलता है देहात में। देहात में मिल जाता है? मिलता है। कैसे मिलता है, कितना पैसा लगता है दारू का? 60-70। 60-70 में कितना कितना मिलेगा? एक बोतल। हाँ। एक बोतल में नशा चढ़ जाएगा आदमी को, तो पिएगा तो क्या नहीं। अच्छा, ये बताइए कि दारू किस चीज से बनता है, अभी का जो दारू मिल रहा है? अभी का तो शक्कर चीनी का बनता है। शक्कर चीनी का? उसमें क्या क्या डालते हैं? और शक्कर का दारू से नशा आ जाएगा, उसमें और कुछ देते हैं? उसमें मतलब कुछ केमिकल डाला जाता है। केमिकल डाला जाता है। अच्छा, नीतीश जी जो दारू बंद किए, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ा, नुकसान किसका हुआ सबसे? अब तो हिसाब जो जुड़ता है उसे न बताइए। तब भी आप बताइए कि पियक्कड़ को पड़ा कि बनाने वाले को पड़ा कि समाज में? बनाने वाला, देखिए बनाने वाला तो वो बनाता है अपना रोजी रोटी, बनाया पिया खाया। जिसने मतलब। अच्छा, पहले से ज्यादा दारू बिक रहा है कि कम बिक रहा है? अभी तो ज्यादा बिक रहा है पहले से। पहले से ज्यादा बिक रहा है? खूब ज्यादा। खूब ज्यादा। तो इसका मतलब नीतीश जी का दारू फेल? फेल है। फेल है। अच्छा, कौन नेता बनना चाहिए, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? बनने का ऊपर तो अभी क्या पता है किस किस ने नहीं, आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? नेता सब बढ़िया है, तहियो नेता तो कोनो खराब नहीं। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? दारू पीने से कोई अच्छा बात बोलता है, कोई खराब बात बोलता है। अच्छा, तो आप दारू पिए हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर खराब कैसे बोल दीजिएगा, अच्छे ना बात बोलिएगा? वो बात ठीक है, जिसने पी लेता है पीने के बाद तो मतलब जो कि कोई अच्छा बात बोलता है, कोई खराब हो बोलता है, यही बात। तो आप कौन बात बोलना चाहते हैं, खराब की अच्छा? अच्छे बात बोलना चाहते हैं। तो कौन मुख्यमंत्री अभी तो मतलब जो कि मोदी जी है? मोदी जी, उन्हीं का पार्टी का वोट दीजिएगा? अभी तो उन्हीं का पार्टी है नीतीश कुमार। अच्छा, दारू जो बंद हुआ तो आप लोग के मैंने गांव क्षेत्र में दारू और बढ़ गया, पीने का संख्या बढ़ गया? संख्या तो मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा।